नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। भी रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन से इत जापानी पीएम किशिदा के साथ विपक्षीय बैठक की। जम्मू कश्मीर में अमित शाह बोले, आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। जेपी नड्डा बोले, पक्के रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में अपना एजेंडा चलाने के लिए नसी कांग्रेस को प्रमाणित किया। जंतर मंतर पर जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत, दिल्ली भर से लोगों को बुलाया गया। अजमेर में दो गुटों में जोरदार भिड़ंत, मारपीट में एक की मौत, कई घायल। उदय भानु चिप को बनाया गया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, बीवी श्रीनिवास की लेंगे जगह। उड़ीसा के बालासोर में ग्रामीणों ने महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पेड़ से बांधकर पीटा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर, लगी अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं। कानपुर में फिर हुई ट्रेन हादसा कराने की साजिश, मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर। चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे अनुरा कुमारा दिसानाय के, आम चुनावों में दर्ज की धमाकेदार जीत। ईरान के कोयला खदान में गैस विस्फोट, 28 श्रमिकों की मौत और 17 से अधिक घायल। अमेरिका के अलबामा में गोलीबारी, 4 की मौत और दर्जनों लोग घायल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सिर्फ खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।